हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंदा सटकारे। और आज की रेसिपी है मुगलाई स्टाइल चिकन हांडी की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने नियरली 1 किलो चिकन में 3 लाल साइज के प्याज को बायस्ता बना के ऐड कर दिया है। धनिया पत्ती डाल देंगे, पुदीना पत्ती डाल देंगे जो कि ऑप्शनल है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर और 1/2 चम्मच से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2.5 चम्मच दही डाल देंगे जो कि हमने गाढ़ा और प्लेन दही लिया है। खट्टी दही आप अवॉइड करिएगा, वरना ज़्यादा डाल देंगे तो जो हमारी रेसिपी वो खट्टी हो जाएगी। तो आधी कटोरी मैंने उस वाली कटोरी से ऑयल डाल दिया। ऑयल आप हिसाब से थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना ज़्यादा ही तेल फिर निकलेगा चिकन से। और यहाँ मैरिनेशन थोड़ा सा लगा हुआ था कॉन्टेनर में, हल्का सा ही पानी दिया क्योंकि फिर चिकन और दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो लो फ्लेम पे उसे पकने देंगे। यहाँ पे सारे खड़े गर्म मसाले हम रोस्ट कर देंगे। तो बेसिकली जो हांडी जो होती है चिकन हांडी, उसमें कोई भुनने का झंझट नहीं होता, तो मैरिनेशन वाला जो हिस्सा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे छिलके को हम निकाल लेंगे जो पीसने के बाद निकले हैं, और सारे मसाले यहाँ पे निकाल लेंगे कटोरी में। और अब हम 7-8 काजू ले लेंगे, 1/2 चम्मच पोस्तक ले लेंगे और उसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो सिर्फ काजू का भी यूज़ कर सकते हो या फिर दोनों ही आप स्किप कर सकते हो। जब ऑलमोस्ट 80% हमारा चिकन पक गया है तब हम इसमें पेस्ट और पाउडर जो हम प्रिपेयर करते थे वो ऐड कर देंगे और 5 से 10 मिनट इसे पकाएंगे। तो और 5 से 10 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। और ये देखिए चिकन हांडी जो है हमारी बनके हो गई है रेडी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और न्यू है तो सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए चिकन हांडी रेडी हो गई, तो इसे नान या लच्छा पराठे के साथ एंजॉय करते हैं।